श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज दीआं देणा असीं जन्मां जन्म धार के जिहड़ा है वो दे नहीं सकते हाँ। ते जब लग खालसा रहै नियारा तब लग तेज दियो मैं सारा, जब ए कहे विपरन की रीत मैं ना करो इनकी प्रतीत। जेड़े साध संगत जी साबत सूरत हो के मुड़ के रोमां दी बेअदबी कर दिंदे ने ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗਵਾ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗਵਾ ਬੈਠਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਰਹਿਤ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, जुग जुग अटल, लोक परलोक दे राखे, दीन दुनिया दे वाली, तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु रूप खालसा सत संगत जी, सब तो पहला सरबंस दानी अमृत के दाते धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज वल्लों बख्शी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज दीन दुनिया दे वाली धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी का प्रकाश पर्व, जिथे संसार पंथ भर दे विच गुरु खालसा पंथ गुरु नानक नाम लेवा सिख संगतां मना रही ने, उथे तखत श्री हरिमंदर जी पटना साहिब विखे ये महान पर्व श्रद्धा उत्साह हुलास सहित मनाया जा रहा है। मैं तखत श्री हरिमंदर जी पटना साहिब तो समुचे दुनिया दे विच वसदे हुए गुरु नानक नाम लेवा सिख संगतां नूं, गुरु खालसा पंथ नूं, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे प्रकाश पुरब दियां बहुत 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 वधाइयां देना। संसार दे अंदर इको ही पुत्तर है जिसने अपने पिता नूं शहीद होण वास्ते दिल्ली वाल नूं तोरिया, ते ओ पुत्तर है धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज। ते संसार दे विच इको ही पिता है जिसने अपने बच्चियां नूं, अपने जिगर दे टुकड़ियां नूं शहीद होने वास्ते अपने हथी तैयार करके तोरिया है, वह भी ने धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज। जे असी इतिहास पढ़िए तो पांच भौतिक शरीर के अंदर उन्हां दी जिहड़ी आरयू है वो केवल 42 साल है, लेकिन 42 साल के अंदर जो श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कारज किए ने मनुखता लई, मानवता लई, वो कोई लख जन्म धार के भी कारज नहीं कर सकता। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने तखत श्री दमदमा साहब की पावन धरती के उत्ते धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह की बाणी नूं शामिल करके श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी नूं संपूर्णता बख्शे। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने तखत श्री केसगढ़ साहिब श्री आनंदपुर साहिब की पावन धरती ते खालसा साजिया, पांच प्यारे सिरजे, पांच प्यारियां नूं खंडे बाटे की पहुल छका के फिर उन्हां पंजां प्यारे साहिबान दे पासों आप पहुल छकी। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने तखत श्री हजूर साहिब नदेड़ दी पावन धरती दे उते ज्योति जोत समाउण तो पहला धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह नूं गुरियाई बख्शी। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने अपने 42 साल दे पांच भौतिक शरीर दे विच विचरदिआं 14 जंगां लड़ियां, और पहली जंग पंगाणी दे मैदान दे विच श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने लड़ी। जिस वक्त श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने पहला जंग लड़िया पंगाणी की धरती के उत्ते, उस वेले श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज की उम्र जिहड़ी है पांच भौतक शरीर के अंदर केवल 20-21 वरियां दी सी।
और अज भी मां बाप जड़े ने 20-21 वरिया के अपने पुत्र नू गड्डी दा स्टेरिंग नहीं फड़ाउंदे कि अजे बच्चा है न्याणा है गड्डी चंगी तरह चला नहीं सकेगा। लेकिन धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने पहला युद्ध 21-22 साल की उम्र के पंगाणी के मैदान के लड़िया और जित ने श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज के कदमों नू आके चूमिया। और आखिरी युद्ध श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने खिदराने की ढाब जिस नू आज श्री मुक्तसर साहब कह के असी बड़े आने हैं उस पावन धरती के उत्ते लड़िया साध संगत जी। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज दियां देणा असी जन्मा जन्म धार के जड़ा है वो दे नहीं सकते हाँ। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने तख्त श्री दमदमा साहब की पावन धरती के उत्ते एक बचन कहा सी खालसे नू। वो की बचन कहा सी? वो कहा सी कि जब लग खालसा रहे नियारा तब लग तेज दियूं मैं सारा जाबे गहे विपरण की रीत मैं ना करो इनकी प्रतीत। कि जिन्ना चर मेरा ये खालसा अपना न्यारापन कायम रखेगा उन्ना चर मैं इस खालसे नू अपना तेज देंगा, पर जिस दिन मेरा खालसा न्यारापन गवा लेगा मैं अपना तेज नहीं देंगा, मैं इसका विश्वास नहीं करांगा, मैं इसका भरोसा नहीं करांगा। जेड़े साध संगत जी साबत सूरत हो के मुड़ के रोमां दी बेअदबी कर देंदे ने ओ धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज का विश्वास गवा बैठते ने। जेड़े तंबाकू का सेवन करते ने नशियां का सेवन करते ने ओ धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज का विश्वास गवा बैठते ने, क्योंकि धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज का यह आदेश है कि मेरा खालसा त्यार बर त्यार अमृत धारी रहत बहत का धारनी होएगा। उन्होंने ये लफज कहे सन कि मैनू जड़ा है वह रहत प्यारी है सिख प्यारा नहीं है। जे रहत है तो सिखी है, तो जे रहत नहीं है तो कोई सिखी नहीं है। साध संगत जी मैं अंत दे विच फिर इस तख्त श्री हरिमंदर साहब जी पटना साहब के मंच तो आप सारिया संगतां नू श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज के जिथे प्रकाश पुरब दियां वधाइयां दिना उथे मैं धन्नवाद करदा इस स्टेट के मानयोग मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जिन्होंने इस पटना साहब के तख्त नू बहुत खूबसूरत बनाउण दे विच और खास तौर के उत्ते ये दिन मनाउण दे विच अपनी सरकार का अपना निजी तौर के उत्ते बहुत वड्डा योगदान पाया है। तख्त श्री हरिमंदर जी पटना साहब की समुची प्रबंधक कमेटी बहुत बधाई की हकदार है जिहड़ी हर साल ही बहुत सोहणे इंतजाम करती है संगतां दे लई रहायशां ते लंगरां दे। मैं तख्त श्री हरिमंदर जी पटना साहब की जिहड़ी कमेटी है मैनेजमेंट कमेटी उनका भी धन्नवाद करदा है, माननीय सिंह साहब जी का भी धन्नवाद करदा है, आप सारिया संगतां का धन्नवाद जिहड़े अज धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं प्रकाश पुरब के मौके याद करन वास्ते बहुत लंबा सफर करके इस धरती ते पहुंचे हो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।